हरियाणा की छोरियां भी छोरों से कम हैं के? ये सवाल नहीं बल्कि जवाब है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और ये बात हरियाणा की बेटियां कई बार दिखा भी चुकी हैं। समूचे हरियाणा के लिए सोनीपत की काजल एक और गर्व भरा पल लेकर आई हैं। दरअसल बहरीन में हुई अंडर 19 एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर सोनीपत के सेक्टर 23 की रहने वाली काजल ने नाम रोशन किया है। वहीं जब काजल मेडल जीतकर घर पहुंची तो उसका जोरदार स्वागत किया गया। साल की थी जब इसके चाचा अखाड़े में जाते थे, जब बोल कहते थे कि मैं भी साथ में जाऊंगी, इसलिए जाने लगी। मेरा भी जो सपना था लड़के का कि मेरा लड़का पहलवान बने, फिर इसकी रुचि ज्यादा थी पहलवानी में। बेटे का सपना बेटी ने पूरा कर दिया। कितनी घंटे की तैयारी करती थी बेटी कभी? या जब छोटी थी जब तक 2 घंटे की, अब 3-3.5 घंटे प्रतिदिन करती है। हाँ, आप गोल्ड लेकर आइए, कितनी खुशी है। खुशी है और आगे ऊपर जाके और ज्यादा खुशी होगी। पापा क्या करते थे? पापा पहले खेती ही वे टैक्सी चलावा। कभी रोका नहीं पापा ने बेटी ना? कोई नहीं, हमने पूरा पहलवान के लिए खर्चा बहुत करना पड़ता है। खर्चा नो, अपना खाना पीना कम हो जाए फिर इसका पूरा करना पड़ा अपना कम करके। अक्सर बच्चों के उपलब्धि के पीछे उनके माता पिता का हाथ होता है, लेकिन काजल के साथ ऐसा नहीं है। पहलवान काजल के पिता टैक्सी ड्राइवर हैं और अपने चाचा से प्रेरणा लेकर काजल पहलवान बनी है। वहीं काजल के चाचा ही उसकी प्रेरणा है। घर की स्थिति अच्छी न होने के कारण उसके चाचा दंगल करवाते हैं और जो पैसा कमाते हैं वो अपनी लाडली पर खर्च कर उससे पहलवानी करते हैं। वे तो पहलवानी करता, इसकी उम्र होगी 7-8 साल के करीब उम्र होगी, तो ये रोती थी एक चाचा मैं भी साथ में अखाड़े में चलूंगी, तो मेरे को भी पहलवानी करनी है। मैंने सोचा चलो पहले बेटी करा के दे लेते, फिर बेटी की इतनी दिलचस्पी नहीं थी पहलवानी में, इसकी मैंने ज़्यादा रुचि लगी, तो सोचा अगर मैं तो कर ही रहा हूँ क्यों ना मेरी शायद डाइट खा के ये भी कुछ हो जाए, तो मेरे साथ डाइट खा के ये भी पहलवान होगी। और फिर मैंने सारा ध्यान दंगल लड़के जो भी कुछ है सारा इसी पर फोकस कर दिया। अपना दंगल लड़के आता, जो भी कुछ मिलता इसका खर्चा गुजारा चलाता, उसी खर्चे से पहलवानी करता। पापा है वो थोड़े आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो अपना टैक्सी चलाते हैं, टैक्सी से ही गुजारा चलाते घर का। मैं अपना जितना ही दंगलों में इनाम मिलता मैं इसकी पहलवानी में लगा देता। कभी पापा ने इसके लिए रोका नहीं कि बेटी इतना बजट नहीं है? नहीं, कभी भी उसने मेरे पे विश्वास इतना था, कभी बीच में इंटरफेयर ही नहीं किया, बोले भाई जो भी करेंगे तेरा चाचा करेंगे। अगर पहलवानी इसके कोच भी एक तरह से माने तो आपके साथ खुद प्रैक्टिस करती है ये? हाँ, ये खुद मेरे साथ रनिंग वगैरह टेक्निक जो भी कुछ होते हैं, कई भी कभार तो कोई जोर करने से मना कर देता तो मैंने खुद जोर कराने पड़ते हैं, खुद ही कोचिंग भी देता हूँ और खुद प्रैक्टिस भी खुद ही करते हैं। इसके फादर की कमजोर है? हाँ, इसके फादर की कमजोर आर्थिक स्थिति, मतलब एक गरीब फैमिली से ही लगा लो। काजल ने 9 साल की उम्र से ही पहलवानी शुरू कर दी थी। काजल के परिजनों ने बताया कि उसके चाचा पहलवान थे और वो जब उन्हें स्टेडियम में जाते हुए देखती थी तो वो जाने की जिद करती थी, और तभी से उनके चाचा ने अपनी तरफ नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। काजल के चाचा कृष्ण ने बताया कि वो खुद एक पहलवान है, लेकिन वो खुद से ज्यादा अपनी बेटी का खेल पर ध्यान देते हैं। और मैंने मेरे चाचा को देख के स्टार्ट की थी। क्या सोचा था कि मैं भी पहलवान बनूं? हाँ, मेरी शुरू से ही रुचि थी कि मैं पहलवान बनूं। चाचा क्या करते थे आपके? चाचा पहलवानी करते थे। पापा क्या करते हैं आपके? पापा पहले खेती करते थे और अब टैक्सी चलाते हैं। पापा ने कभी रोका नहीं आपको? नहीं, कोई नहीं रोकता। मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने तो बस यही आगे चलाना सिखाया बस। आप कहाँ पे खेल के आए हो, क्या जीत के लाए हो? अब मैं बहरीन गई थी और मेरा गोल्ड आया है। कौन सी गेम थी बहरीन में, कब से? रेसलिंग एशियन चैंपियनशिप थी 2 तारीख से 4 तक। गोल्ड मिला उसमें? हाँ, गोल्ड। कितनी खुशी है अब गोल्ड मिला? बहुत खुशी हो रही है। जिस तरह परिवार ने स्वागत किया, आगे किस तरह की तैयारी आ रही है? आगे बहुत आगे कैडेट एशियन में और वर्ल्ड में मेडल आना है, सपना पूरा करना है चाचा का। 2028 में ओलंपिक का मेडल आना है। उसके लिए कितने घंटे की तैयारी करती हो? सुबह 4 घंटे और शाम को भी 4 घंटे, 8 घंटे। साथ में पढ़ाई भी चल रही है? हाँ, पढ़ाई भी चल रही है। कौन सी क्लास में? अपनी जीत को लेकर काजल ने बताया कि बहरीन में जो प्रतियोगिता हुई थी वहाँ उसने जापान की खिलाड़ी को फाइनल में हराया और गोल्ड मेडल जीता। काजल ने कहा कि अब वो दिन रात मेहनत करें, ओलंपिक तक जाना चाहती हैं। उम्मीद करते हैं कि काजल अपने दम पर यूं ही आगे भी देश के लिए कई और मेडल जीत कर लाती रहें और यूं ही अपने माता पिता के साथ चाचा और हरियाणा का नाम रोशन करती रहें। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।